हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन से बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी जो कि बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सब्ज़ी नहीं है घर में कोई, तो और कुछ अच्छा ही खाने का मन होता है, तो ये वाली सब्ज़ी बना लो, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर कोई मेहमान आता है तब भी आप ये वाली सब्ज़ी बना करके खा सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे एक कप बेसन। हम एक कप बेसन में बना रहे हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। तो एक कप बेसन हमने लिया है, ये मनाल है, हमें परेशान कर रही है, कह रही है हम बनाएंगे, पापा हम बनाएंगे। तो ये देखिए, अब आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे जितना हम बेसन लेंगे, और एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ये बहुत तीखी वाली मिर्च नहीं है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स करेंगे, एक गाढ़ा सा बेटर बना लेंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती इसमें, और इसको भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमने एक फ्राई पैन लिया है, अब उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको डाल करके पूरा फैला लेंगे। और आप चाहें तो इसको तवा पर बना सकते हैं, लोहे वाले तवा पर। और फैलाने के बाद थोड़ा सा जब नीचे का सीख जाए तभी हम इसको फोल्ड करेंगे, एक इस तरह से फोल्ड करेंगे। और जब पूरा सूख जाए तब नहीं हमें करना है, ऊपर जब थोड़ा सा गीला रहे ना तभी हमें करना है, क्योंकि जब सूख जाएगा ना तो फोल्ड नहीं हो पाएगा, चिपक नहीं पाएगा एक दूसरे में। और इसको फिर कट कर लेंगे टुकड़े टुकड़े, जितने बड़े पीस आपको रखने हैं उतना बड़ा बड़ा आप काट लीजिए ऐसे। और काटने के बाद इसको अच्छे से उलट पलट करके सेंक लीजिए ताकि अंदर का जो कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमारा अच्छे से सीख गया है, तो इसको हम उतार लेंगे और फिर एक लेयर फिर डालेंगे। इसी तरह से हम पूरे बेसन को बना लेंगे सेंक करके, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और इसमें ना जिनको मछली वगैरह बहुत पसंद है तो उसमें मेथी डालने से थोड़ा थोड़ा मछली का टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में हमने तेल डाला, उसमें हम डालेंगे मेथी, हम प्याज नहीं डालेंगे, प्याज से बघारेंगे नहीं, मेथी से बघार दे रहे हैं। प्याज थोड़ी सी हमने पीसी हुई डालेंगे। यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच प्याज का पेस्ट हमने लिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब हम डालेंगे टमाटर, तो टमाटर हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक बिल्कुल, आप चाहें तो यहाँ पर प्योरी भी डाल सकते हैं टमाटर की। और साथ में डालेंगे नमक, इसको भी हम भून लेंगे। और अब कुछ सूखे मसाले इसमें हम डालेंगे, जिसमें से कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल करके हम फिर से अच्छे से ढक करके इसको भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा लगभग भून चुका है, थोड़ा सा और ढक करके भूनेंगे इसको। यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, ये थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन अभी जैसे ही हम बेसन वाला पीस डालेंगे ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा अपने आप ही। और पानी जैसे ही खोलने लगे मसाले का पानी तो हम इसमें पीस एक एक करके सारे पीसेस डाल देंगे और इसको भी पका लेंगे अच्छे से ताकि इसके अंदर सारी ग्रेवी अच्छे से जज्ब हो जाए। इसको ढक करके पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से पक गया है, और ऊपर से हम डालेंगे धनिया की पत्ती। देखते ही मतलब मुंह में पानी आ जाता है, देखिए देखने में ही कितनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और जो बेसन है ना इसको अच्छे से जब फेटेंगे ना तो ये हल्का पीस जो है ना मतलब सॉफ्ट बनेगा। तो हमारी सब्ज़ी तो अब तैयार है, तो हम इसको सर्व करेंगे। और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, हमें अपने दुआ में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।